हाउ टू यूज जर्नल ऐप ऑन आईफोन। ऑलराइट गाइस, सो हम सभी को iOS 17.2 अपडेट के बाद एक न्यू एप्लीकेशन का इंटरफेस देखने को मिलता है जो कि काफ़ी ब्यूटीफुल ऐप है। वेल, यहाँ पे हम बात करेंगे अपनी डेली रूटीन की लाइफ में इसको यूज़ कर सकते हैं, काफ़ी यूजफुल है यदि आप इसको जान जाते हैं कैसे एक्चुअल में इसको यूज़ करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप सभी को इसके लिए मस्ट बी अप टू डेट योर आईफोन ऑन द iOS 17.2। ऑलरेडी अप टू डेट है तो आपको ये ऑटोमेटिकली होम स्क्रीन पर मिल जाती है, डैट इज़ जर्नल। आप इसके ऊपर ओपन करेंगे, क्लिक करेंगे तो आपको इस तरीके से देखने को मिलेगा। अगर आप पहली बार ओपन करेंगे तो हो सकता है कि आपको कुछ इस तरीके से इंटरफेस देखने को मिल जाती है। बट यहाँ पे आपको क्या करना है, इस तरीके से रीसेंट पे जाएंगे तो जो भी आपने रीसेंट में क्रिएट की होगी एंट्रीज डाली होंगी वो आपको शो कर देगा। अदरवाइज आप सभी जाएँ न्यू एंट्री पर क्लिक करेंगे। अब बात करें दोस्तों एक्चुअल में वर्क कैसे करती है एप्लीकेशन। बेसिकली जैसे कि हमारे पास नोट्स एप्लीकेशन है तो उसमें आप जस्ट टाइप कर सकते हैं मैसेजेस, या फिर कुछ लिख कर रखना चाहते हैं तो आप रख सकते हैं। बट ये जो एप्लीकेशन है इसके अंदर आपको कुछ एक्स्ट्रा लेवल के फीचर्स मिल जाते हैं। वो है कि जैसे कि हमने इसको ओपन किया इस तरीके से, अब आप सभी को दोबारा से मैं दिखा देता हूँ। प्लस के आइकन पे क्लिक करेंगे, न्यू एंट्री पे टैप ऑन करेंगे, यहाँ पे आपको देखने को मिल जाती है स्टार्ट राइटिंग। तो बेसिकली जैसे कि आपने जर्नल क्रिएट करना है, आपने दिन में क्या किया, क्या एक्टिविटीज़ की, वो आप सभी यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। लाइक जो भी आपको फेवरेट हॉबीज़ हैं वो भी आप टाइप कर सकते हैं। कुल मिला के जो भी आप चीज़ यहाँ पे करते हैं वो आप टाइप करके सेव कर सकते हैं। लाइक मैंने इस दिन इतना कुछ किया, और जो भी आपकी एक्यूरेट डेटा है वो भी आप यहाँ पे सेव कर सकते हैं। और इसी के साथ साथ जैसे कि मैंने यहाँ पे जो भी एक मैसेज आप लिख दें, तो सबसे पहले आप मैसेज टाइप करते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल इस दिन आप वहाँ गए थे, इस लोकेशन पे गए थे और क्या कैरी किया था, सब कुछ आप जैसे कि जर्नल बनाते हैं, एंट्रीज डालते हैं डेटा, वैसे ही आप सभी यहाँ पे रख सकते हैं, लिख लें। अब आती है यहाँ पे प्लस के आइकन पे क्लिक करेंगे इस वाले फ्लैश के आइकन पे, तो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है प्राइवेट एक्सेस टू सजेशन। तो यहाँ पे इसको जो हम सेटिंग से जाके इनेबल करेंगे, फोटोज़ पे क्लिक करेंगे तो आप जो है यहाँ से अगर आपने कोई फ़ोटोज़ क्लिक की हैं तो आप फोटोज़ को यहाँ पे अटैच कर सकते हैं या फिर वीडियोज़ को भी। तो जस्ट फॉर एग्जांपल हम इस वाली फ़ोटो को सिलेक्ट करेंगे एंड डन के बटन पे आप करेंगे क्लिक। तो जैसे आप डन पे बटन पे क्लिक करेंगे यहाँ पे आपका मैसेज आ जाएगा, जो भी आपने मैसेज टाइप किया था। बेसिकली यहाँ पे मैसेज नहीं टाइप करना है, आपको वो सब टाइप करना है जो आप यहाँ पे टाइप करके रखना चाहते हैं। लाइक इंपॉर्टेंट डेटा है, जो भी आपने एक्टिविटी की है वो आप लिख सकते हैं, और कुछ डेटा तो वो भी आप लिख सकते हैं। उसी के साथ साथ आप फोटोज़ भी अटैच कर सकते, लाइक जो भी आप नॉर्मल एक्टिविटीज़ को लिख कर रखना चाहते हैं आप सेव कर सकते हैं। फोटोज़ को अटैच कर दें, उसके बाद कैमरा पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको सबसे पहले एक्सेस देना है इसका, अलाउ करें। तो यहाँ से आप डायरेक्टली फोटो क्लिक कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे इस तरीके से अटैच कर दें। इवन आप वीडियो को भी शूट कर सकते हैं, यूज़ फोटो पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे वो फोटो भी आपको देखने को मिल जाएगी। अब उसी के साथ साथ दोस्तों इस पर क्लिक करेंगे तो आप जहाँ से वॉइस को भी डाल सकते हैं, जैसे कि आप वॉइस मैसेज को सेव करना चाहते हैं तो यहाँ से आप इसको रिकॉर्ड करना चालू करेंगे। अब ये देख सकते हैं यहाँ पे रिकॉर्ड होना भी शुरू हो रही है। तो ये ना एक कह लें कि मल्टीटास्किंग एप्लीकेशन दिया है एप्पल ने, जो कि बहुत ही सही है। लाइक जैसे कि नोट्स एप्लीकेशन की बात करें तो उसमें जस्ट आप कुछ लिमिटेड चीज़ कर सकते हैं, बट इसके अंदर आप सारी चीज़ें वो ऐड कर लेंगे एक पार्टिकुलर एप्लीकेशन के अंदर, राइट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे मैं बोल रहा हूँ तो ये सब जो है सेव हो रहा है। अब यहाँ पे मैसेज मेरा सेव हो गया, दो फोटोज़ वीडियोज़ जो लिखना चाहते थे वो आप लिख सकते हैं। तो कुल मिला के कह लें कि आपको अब अलग अलग एप्लीकेशन को यूज़ करने की नीड नहीं है। जैसे कि आपके पास टाइम नहीं है तो आप यहाँ पे अपना ऑडियो मैसेज ही सेव कर लें, कहीं पे गए थे आपने फोटो अटैच कर दी, लिख के मैसेज रख लिया, तो ये सब चीज़ आपको मेमोरीज जो है आपको याद रहेगी जो भी आपने डेटा लिखा है। तो इसके लिए आपको अलग अलग एप्लीकेशन की नीड नहीं है, जस्ट एक पार्टिकुलर ऐप के ऊपर आप ये कर सकते हैं। तो यहाँ से आप डायरेक्टली जो है डिलीट भी कर सकते हैं इस एंट्री को एंड न्यू एंट्री क्रिएट कर सकते हैं। अब उसी के साथ यहाँ पे एक एरो का आइकन मिल जाता है, तो यदि आप जो है अपनी लोकेशन का एक्सेस देते हैं, जो कि मैं आपको सेटिंग के ऊपर लेके जाता हूँ, इस तरीके से जाएंगे तो यहाँ पे जर्नल एप्लीकेशन ओपन हो जाती है। ये देखो यहाँ पे सबसे लास्ट में जाओगे, ये देखो जर्नल ऐप आ जाती है। टैप ऑन करने के बाद यहाँ पे आपको लोकेशन मिल जाती है, प्राइवेसी यहाँ पे जाकर आप इसको इनेबल कर सकते हैं, ठीक है। और उसी के साथ साथ दोस्तों यहाँ पे कैमराज वगैरह सब देखने को मिल जाएगा। नीचे जाएंगे तो स्किप जर्नल सजेशन, तो यदि आप सजेशंस को स्किप करना चाहते हैं, लाइक अगर आप यूज़ करते हैं तो आपको बार बार सजेशन आते हैं कि आप ऐसे ही यूज़ करो, तो आप इसको डायरेक्टली यहाँ से स्किप ही कर सकते हैं। दूसरा है कि वो आप इस ऐप को लॉक भी कर सकते हैं। यस गाइस, आप इस अपनी प्राइवेट जर्नल को लॉक भी कर सकते हैं। जैसे कि आपने कोई जर्नल बनाई है, एंट्री डाली है, तो आप इसको लॉक कर सकते हैं अपनी फेस आईडी से एंड यहाँ पे पासवर्ड से भी। तो जैसे कि आप एवरी आफ्टर 5 मिनट या फिर 1 मिनट या फिर इमीडिएटली भी, तो यदि आप इमीडिएटली को सिलेक्ट करते हैं तो जब कभी भी आप इस एप्लीकेशन को या फिर कोई भी ऐप को इस ओपन करेगा तो वहाँ पे पासवर्ड जो है मांगेगा, तब ये ओपन होगी। तो बहुत ही सही चीज़ है, आपका डेटा भी सेफ रहेगा, जो भी आपने जर्नल बनाई है वो एक तरीके से सेफ हो जाती है। यहाँ पे आती है सेव टू फोटो, जो आपकी फोटोज यहाँ से गैलरी में भी सेव कर सकते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे जाते हैं, इस तरीके से बैक करो, अब यहाँ पे ओपन कर लेते हैं। तो ये देखो यहाँ पे आ रहा है अलाउ, एंड यहाँ पे हमें जो फेस आईडी जो है अनलॉक करने के लिए बोल रहा है, क्योंकि हमने इसको लॉक किया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं पासवर्ड एंटर कर देता हूँ अपना,
तो इस तरीके से बहुत ही सही चीज़ है, आप अपना जो है एक एप्लीकेशन के अंदर ये सब कर सकते हैं। ठीक है, अब ये सभी चीज़ें जो आपको नोट्स एप्लीकेशन के अंदर बिल्कुल नहीं मिलने वाली, जस्ट आप वहाँ पर लिख के टाइप कर सकते हैं, कुछ फोटोज़ ऐड कर सकते हैं, बट इसमें आप सारी मल्टीटास्किंग कर सकते हैं, इवन आप इसको लॉक भी कर सकते हैं। ठीक है, जो कि काफ़ी सही है, इसके लिए आपको कोई भी ऐप लॉक यूज़ करने की नीड नहीं है। तो ये भी बहुत ही सही किया अपन ने, तो इस तरीके से आपको जो इस ऐप को यूज़ करना चाहिए, और कहीं ना कहीं देखा जाए बहुत ही सही है। पहली बार जो है मुझे ये एप्लीकेशन इतनी ज़्यादा यूज़फुल लगी, आई थिंक पहले भी एक एप्लीकेशन आई थी अपडेट के बाद तो वो मुझे इतनी यूज़फुल नहीं लगी थी, इवन मैंने उसको अनइंस्टॉल कर दिया था। तो ये वाली ऐप जो है सही है, आप इसका इस तरीके से इस्तेमाल करें। आई होप मैंने आपको सारी चीज़ें कवर कर दी हैं। तो यहाँ पे अनलॉक करने के बाद अब आती बारी यहाँ पे डन के बटन पे क्लिक करो। डन करने के बाद दोस्तों ये जो है आपका यहाँ पे ऐड हो गया, यानी कि दोस्तों आपकी जर्नल जो है रेडी हो गई है। इस तरीके से करेंगे तो आप इसको एडिट भी कर सकते हैं और यहाँ से आप इसको डिलीट भी कर सकते हैं। राइट, देखो यहाँ पे इस तरीके से डिलीट का ऑप्शन आता है, ये मैंने क्रिएट किया था। तो ये तो जस्ट मैंने आपको एग्जाम्पल के लिए बताया, आप इस तरीके से इसके अंदर जाके और भी अपना लिख सकते हैं, आपको डेट मिल जाती है, बुक मार्क एंड डिलीट भी कर सकते हो। तो इस तरीके से आप जो भी लिखना चाहते हैं, जो भी मैंशन करना चाहते हैं, चीज़ें, एक्टिविटीज़, फोटोज़, वीडियोज़, ऑडियो, एवरीथिंग यू कैन डू। सो दिस इज अ वीडियो टुडे, आई होप ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच गाइस।